हेलो ऑल ऑफ यू, राधे राधे। चले शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हमारी किचन में बनने वाले हैं कटहल की सब्जी। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमने कटहल की सब्जी ली हुई है। 1 किलो कटहल है जिसको हमने बारीक छोटा छोटा पीस करके कट कर लिया है। और ये मसाले आपको बता देती हूँ। मसाले यहाँ पर हमने सब्जी मसाला लिया हुआ है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और ये धनिया पाउडर। यहाँ पर हमने तड़के के लिए पचफोरन मसाला लिया हुआ, जिसमें जीरा है, थोड़ी सी कलौंजी है, थोड़े से मेथी दाना है और थोड़े से सौंफ है और जीरा है, राई है, इसको बोलते हैं पचफोरन मसाला। यहाँ पर थोड़ी सी हींग है और इसमें हमने लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है। और यहाँ पर हमने 4 से 5 मिर्च ली हुई है जो कि कट करके रखी हुई है। अगर आपको मिर्च पसंद है तो आप इसको यूज करना, अगर आपको मिर्च पसंद नहीं है हरी साबुत तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। और जब हम तेल यूज करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन तेल जो है हम सरसों का यूज करते हैं। आपको जो तेल पसंद है आप वो तेल यूज कर सकते हो। तो इस वक्त हम करेंगे फ्लेम को ऑन और इसमें डालेंगे तेल। तेल कटहल में थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, ये देखिए कटहल में जो तेल पड़ता है थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पड़ता है, ताकि थोड़ा सा और टेस्टी और क्रिस्पी बन सके। तो ये हम आपको रेसिपी बता रहे हैं करारे कटहल बनाने की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसमें हम डालेंगे पचफोरन मसाला तड़के के लिए। अब हमने यहाँ पर तड़के के लिए जो है, यहाँ पर देखो हमने तेज पत्ता भी जो है ऐड कर लिया है और वो हम तेल में डालेंगे। ये डाला हमने तेज पत्ता और थोड़ी सी हींग, उसके बाद पचफोरन मसाला डालेंगे, ठीक है। ये मसाला, ये देखो, ठीक है। तेज पत्ते आप 3 से 4 ले सकते हो और ये बिना लहसुन प्याज के बना है, तो ये पूरी तरह से वैष्णव है, क्योंकि हम ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, राधा रानी का भोग लगाते हैं, तो हमारे घर में तो लहसुन प्याज यूज नहीं होता है, ठीक है। और ये तो अब हम इसमें डालेंगे कटहल। तेल में डायरेक्ट हम कटहल डालेंगे, ये देखिए। सारा कटहल हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, अब इसमें जो मसाला है वो सारा मसाला डालेंगे, ये देखिए। ये जो मसाला है ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे, ये डाल देंगे, ये देखिए ये सारा मसाला इसमें डाल देंगे और इनको भी डाल और ये जो कट की हुई हरी मिर्च है ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा तेज पसंद, अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको पानी नहीं डालेंगे इसमें, इसको स्टीम में बनने के लिए अच्छे से कवर करके रख देंगे और स्लो फ्लेम पे इसको बीच बीच में कैप को हटा हटा कर इसको चलाते रहेंगे और एक बार चेक करते रहेंगे कि ये गला कि नहीं गला, लेकिन इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। अब हम इस कैप को ढक देंगे, स्लो कर रहे हैं और ये मीडियम फ्लेम या फिर स्लो फ्लेम पे इसको बीच बीच में चलाकर देखते रहेंगे और लगभग आधा घंटे तक हम इसको इसी तरीके से बनने देंगे। और बाद में आपको इसको ये देखिए स्लो, ये देखिए स्लो फ्लेम से मतलब 1-2% और थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना। और उसके बाद आधे घंटे बाद मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये बनकर कैसा तैयार हुआ। तब तक बस थोड़ा सा इंतजार करो। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे, 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट बाद इसको चेक करते हैं कि इस वक्त इसकी कंडीशन क्या है, उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। काफी खूबसूरत कलर है, वाओ। देखो स्टीम में बना हुआ ये कटहल है, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, जो इसका खुद का मॉइस्चर है उसी से ये बना है। तो आप भी बिल्कुल ऐसे करना, तभी ये थोड़ा सा करारा बनेगा और मसालेदार बनेगा। और तेल थोड़ा सा ज्यादा यूज करना, क्योंकि कटहल की सब्जी में तेल थोड़ा सा ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और टाइम लगेगा, अभी से थोड़े से 10 मिनट और लगेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ, ओके। तो अब चेक करते हैं इसको, आधा घंटा हो चुका है और अब देखते हैं कि कटहल कैसा बना है। बहुत ही ज्यादा खुशबू आ रही है। अगर आप यहाँ पर होते तो आप बोलते कि बस अभी खाना है। और बहुत ही करारा, बहुत ही देखो कितना सुंदर लुक लग रहा है। देखो ये देखो, आपको पास से दिखाते हैं, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही स्टीम में बनाना है। इसमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है, बस सूखे मसाले ऊपर से डालने और बिना लहसुन प्याज का ये कटहल बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए ये तैयार हो गया है कटहल, बनकर बिल्कुल रेडी और एकदम करारा क्रिस्पी, वो भी बिना लहसुन प्याज का। तो आप भी अपनी फैमिली में बनाइए, खाइए और बताना जरूर कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए राधे राधे।